साई स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को फिट इंडिया पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, अभी हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझा रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। यह सभी विद्यालय को, चाहे प्राइवेट विद्यालय हो चाहे सरकारी विद्यालय हो, सबको इस फिट इंडिया पर रजिस्ट्रेशन करना है और सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है। तो चलिए, आप अपने मोबाइल से, टैब से ना, या लैपटॉप से, किसी भी से आप आराम से इसको आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट विद्यालय का फिट इंडिया पर से डाउनलोड कर सकते हैं। बस आप ध्यान से देखिए, आपको हम स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से बताने जा रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे। यहाँ पे देखिए, क्लिक कर दिए। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको स्क्रीन में कुछ इस तरह से खुलेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है फिट इंडिया। देखिए यहाँ पे आ गया फिट इंडिया, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले जो दिया हुआ है फिट इंडिया, मैंने रजिस्ट्रेशन फिट इंडिया, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रीन कुछ इस तरह से खुलेगा। आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट में जाना है, ठीक है। सेलेक्ट में जाने के बाद इस तरह से आपको खुलेगा। यहाँ पे देखिए, आपका स्कूल का नाम, आपको स्कूल से हैं तो आप स्कूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर और बहुत सारा यहाँ पे खुलेगा तो ये जिस विभाग के हैं वो अपना सिलेक्शन करेंगे। तो अगर आप स्कूल विभाग से हैं तो आप स्कूल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही स्कूल पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका स्कूल का नाम मांगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्कूल का आप नाम अपना लिख दीजिए, जैसे कि हम अपना नाम लिख रहे हैं स्कूल का, ठीक है। देखिए, मेरा पहले से लिखा हुआ है इसलिए हम सिलेक्शन कर दिए। आप अपना स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पर डैश कोड, यहाँ पर डैश कोड डाल दीजिएगा अपना विद्यालय का। मेरा पहले से यहाँ पर लिखा हुआ था, सेव था, इसलिए देखिए इसको हम सिलेक्शन डायरेक्ट कर लिए। आप यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। ऐसा ईमेल आईडी ना जो आपका स्कूल का हो चाहे फिर आपका अपना हो, वो यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पर ईमेल आईडी अपना विद्यालय का डाल रहे हैं, ठीक है। आप भी अपना स्कूल का ईमेल आईडी डाल सकते हैं चाहे अपना ईमेल आईडी। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, अपना डाल दीजिए यहाँ पे मोबाइल नंबर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको स्टेट का नाम डालना है। तो चलिए, स्टेट का नाम यहाँ पे हम डाल दिए। कहने का मतलब, यहाँ पर सिलेक्शन करने के लिए आएगा, पूरा इंडिया के जितना स्टेट है सबका नाम खुलेगा। तो आप झारखंड से हैं, जैसे कि हम झारखंड से हैं तो झारखंड सेलेक्ट करेंगे। आप बिहार से हैं तो बिहार कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपका स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट में है, नहीं कौन जिला में है, तो यहाँ भी पूरा जिला का नाम खुलेगा। जैसे कि हम पलामू जिला से हैं, पलामू जिला सिलेक्शन कर लिए। यहाँ पे आप ब्लॉक यानी कि प्रखंड का नाम सिलेक्शन कीजिए, किस प्रखंड से हैं। जैसे कि हम यहाँ पर तरहसी प्रखंड से हैं तो तरहसी सिलेक्शन कर लिए। यहाँ पर आपको सिटी, टाउन, विलेज यानी कि आपका शहर में है तो शहर का नाम दे दीजिए, आपका गाँव में है तो गाँव का नाम। यहाँ पर देखिए, हम गाँव का नाम डाल दे रहे हैं, इस तरह से हम गाँव का नाम डाल दिए। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड, पासवर्ड आपको ऐसा डालना है जो आपको याद रहे, ठीक है ना, ये नहीं कि बाद में भूल जाइए और किसी को बताना भी नहीं है। तो चलिए, हम अपना पासवर्ड डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कंफर्म पासवर्ड में क्या करना है कि जो आप पासवर्ड डाले हैं उसी को फिर से दोबारा डालना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, कैप्चर, कैप्चर में जैसे जैसे लिखा वैसी को डालना है। अगर नहीं पढ़ा रहा है तो यहाँ से आप चेंज भी देखिए इसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर पढ़ा रहा है तो आप डाल सकते हैं। देखिए, चेंज करने के बाद देखिए, हम यहाँ पे पासवर्ड डाल रहे हैं, आप भी डाल दीजिएगा। मैंने पासवर्ड नहीं, ये जो कैप्चर है वो पासवर्ड तो हम लोग ऊपर डाल चुके हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर साइन अप कर दीजिएगा, ये सब सही अगर है तो साइन अप। साइन अप जैसे ही कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए, आपका मोबाइल या अपना पर्सनल से सिस्टम से कर रहे हैं तो आप सेव कर दीजिए और अच्छा रहेगा। आपको इस तरह से स्कूल आपको दिखने लगेगा कि आपका स्कूल रजिस्टर्ड हो चुका है। तो यहाँ का रजिस्टर्ड एज स्कूल, वेलकम टू UPGPS छतरपुर नॉर्थ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपका यहाँ पर स्कूल फिट इंडिया पर रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए, चार ऑप्शन है। तो अभी हम आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेशन, आपको हम ये बताने वाले हैं, पहला स्टेप, ठीक है। और अगर आपको देखना होगा स्टेप तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको चलना होगा, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट है फिट इंडिया पर जो स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त करना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर हम पहले वाला पर क्लिक करेंगे, ठीक है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेशन लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से खुलेगा,
ना रिक्वेस्ट फॉर फिट इंडिया स्कूल फ्लैग, इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पहला ऑप्शन है हैविंग वन टीचर ना ट्रेंड इन फिजिकल एजुकेशन PE एंड सच डैट इज फिजिकल फिट एंड एक्टिव। मतलब कि यहाँ पर अगर आपके यहाँ फिजिकल टीचर पहले से हैं, अगर कितना है तो संख्या देना है, अगर नहीं है तो ऐसे टीचर का नाम यहाँ पर मैंने संख्या डालना है जो कि खेल कूद में इंटरेस्ट रखते हों। अगर एक टीचर हैं तो एक, दो हैं तो दो, तो अगर एक टीचर हैं तो हम एक भर देंगे। इसके बाद अगर संख्या जिनका भरे हैं तो उनका टीचर का नाम जो खेलकूद में इंटरेस्ट लेते हैं उस टीचर का नाम यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे नाम लिख दीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं अपना नाम, लिख दिए। इसके बाद कराया कि हैविंग ए प्लेग्राउंड वेयर टू और मोर आउटडोर गेम एज प्लेड, कराया कि आपके यहाँ प्लेग्राउंड मतलब कि खेल का मैदान है ना, तो उसके बारे में यहाँ पर संख्या देना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अगर एक है तो एक, दो है तो दो। इसके बाद चूज सेफ, यहाँ पर कह रहा है कि आपका जो फील्ड का जो मैदान है किस टाइप के है। इस टाइप के फोटो दिख रहा है, इस टाइप के है कि गोलाकार है, किस टाइप से है। तो अगर आपका इस टाइप से है तो यहाँ सेलेक्शन कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे देना है कि आपका जो फील्ड है स्कूल का, विद्यालय का, वो कितना स्क्वायर फीट में है। तो देखिए मेरा 1500 स्क्वायर फीट में है, तो यहाँ हम 1500 डाल दिए। एक बार लॉन्गेस्ट साइड मतलब कि ये साइड यहाँ पर डाल देना है, तो हम 150 यहाँ पर देखिए डाल दिए, ठीक है। इस तरह से आप भी डाल सकते हैं जितना होगा। इसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर में आपको स्कूल डाल देना है कि कितना हमारे, सॉरी आपका डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल मतलब स्कूल से जो फील्ड है आपका वो कितनी दूरी पर है। अगर विथ इन स्कूल मैंने स्कूल के साथ में है या इतना दूरी पर है तो उसको सिलेक्शन करना है। तो अगर आपका स्कूल के साथ में है तो यहाँ कर देंगे। इसके बाद ग्राउंड इमेज, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको जल्दी अपलोड नहीं होता है, इसके लिए आपको कम से कम 2 MB टाइप से मतलब होना चाहिए। यहाँ पर आप बढ़िया से देख लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा, जो मांगेगा उसके आधार पर आपको अपलोड करना है, नहीं तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ पर चूज कर लेंगे। अब देखिए हम अपना फ़ोटो रखे हैं, जहाँ से रखें उसको सिलेक्शन कर देंगे। जैसे कि हम डेस्कटॉप पर रखें अपना फ़ोटो, तो डेस्कटॉप क्लिक कर लिए। आप भी अपना मोबाइल में जहाँ भी होगा, जैसे देखिए यहाँ पे हम फ़ोटो रखे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको हम लोग सिलेक्शन कर लिए और यहाँ पे ओपन कर देंगे, ये मेरा फ़ोटो जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि आउटडोर स्पॉट ना यहाँ पर कम से कम 2 मिनिमम 2 होना चाहिए, उसको सिलेक्शन करना है। तो जैसे देखिए हम फुटबॉल सिलेक्शन कर लिए, फुटबॉल के बाद हम लोग यहाँ मान के चलते हैं अगर क्रिकेट खेला जाता है तो क्रिकेट, या फिर कबड्डी तो कबड्डी लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग टिक आउट कर देंगे। टिक आउट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको पूछ रहा है कि हैविंग ऑल स्टूडेंट ना स्पेंड 60 मिनट, कम से कम 60 मिनट का मोर देन फिजिकल एक्टिविटी जो डेली होता है उसके बारे में आपको डालना है, डेली फिजिकल एक्टिविटी बाई स्टूडेंट के द्वारा। तो जैसे देखिए पहले कर रहा है विथ द असेंबली, मैंने प्रार्थना आपके यहाँ कितना डेली होता है, कितना मिनट तक, यहाँ देखिए 20 मिनट। ध्यान दीजिए कि सब के जोड़ के 60 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिख रहा है कि 60 मिनट से कम नहीं होना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कर रहा है फिजिकल एजुकेशन PE मैंने पीरियड कितना मिनट का होता है, अगर 30 मिनट का होता है तो यहाँ पर 30 मिनट डाल दीजिए। इसके बाद बिफोर स्कूल है आवर, आफ्टर स्कूल मैंने छुट्टी के बाद पहले जो कुछ अगर कुछ मिनट अगर दिया जाता है उस पर स्कूल से, तो आप अपने स्कूल के अनुसार दे सकते हैं कि छुट्टी के पहले या छुट्टी के बाद कितना मिनट बच्चों को और टाइम अलग से दिया जाता है। तो यहाँ 10 मिनट तो 10 मिनट कर देंगे, 20 मिनट करना होगा तो 20 मिनट कर देंगे। अदर मैंने और कुछ में आप टाइम देता है बच्चा लोग ना, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 20 मिनट। अब यहाँ पे क्या करना है कि आई हैव ना लिखा हुआ है ना आई हेयर बाई, ठीक है, यानी कि अब यहाँ तक हम 20 मिनट डाल दिए। इसके बाद यहाँ पर हमको टिक आउट कर देना है, ठीक है, कि मेरा डाटा सब सही है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद यह सर्च करने लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखिए यहाँ पे सर्च करने के बाद आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है योर रिक्वेस्ट हैव सबमिट सक्सेसफुल, मतलब आपका जो आप फॉर्म जो भरे वो आपका सबमिट हो गया, सक्सेसफुल हो गया। आपको नीचे फिर से सब पिक्चर वगैरह दिखेगा, आप इसको वेरीफाई ठीक से कर लीजिएगा कि आप जो भरे हैं सही भरे हैं कि नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पर डाउनलोड फिट इंडिया स्कूल फ्लैग लिख रहा है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इसको डाउनलोड सर्टिफिकेट, यहाँ से आप इस पर क्लिक करके आप अपने विद्यालय का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर डाउनलोड सर्टिफिकेट पर डाउनलोड हो गया, आपको सर्टिफिकेट इस तरह से
आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए लिखा गया UPGPS छतरपुर नॉर्थ, यहाँ पे छतरपुर हम गांव का नाम डाले थे तो ये नीचे आ गया, और यहाँ पे पूरा स्कूल का नाम, ये मेरा स्कूल का सर्टिफिकेट आ गया। तो आपको भी कुछ इस तरह से जब आप रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा तो इस तरह से आपका आ जाएगा। तो ये मेरा आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो भी वीडियो होगा हम पूरा एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं ना, तो आपको तुरंत मिल जाएगा। और आपको किसी भी तरह का ऑनलाइन काम करना होगा विद्यालय का तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क करके आप हमसे पूछ सकते हैं, जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा, जैसे कि पुस्तक वितरण ई विद्यावाहिनी में कैसे करना है, प्रोग्रेशन स्कूल का कैसे करना है, ऑल तरह का एक्टिविटी जो ऑनलाइन करना रहता है विद्यालय से संबंधित, आप हमसे ऑनलाइन पूछ भी सकते हैं। और मेरा बहुत सारा वीडियो अपलोड भी किया हुआ है, उसको देख करके आप काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपसे मेरा एक और रिक्वेस्ट होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग के समझ में आ जाए। आप अगर अपने मोबाइल से करने लगिएगा तो मात्र 5 मिनट लगेगा, ये हम आप